हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल देयर ब्लॉग्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ल्ड्स नंबर वन मॉन्यूमेंट, वर्ल्ड्स नंबर वन वंडर। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड्स नंबर वन अजूबा भी आप कह सकते हो। यह है आगरा का ताजमहल। आफ्टर लॉकडाउन के बाद भारत में हर एक मॉन्यूमेंट ओपन होता ही जा रहा है, सो आगरा का ताजमहल भी ओपन कर दिया गया है आम लोगों के लिए। पर इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा गया है जो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जी दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को आफ्टर लॉकडाउन के बाद आगरा में जो टर्म एंड कंडीशन लगा गया है, क्या है इसका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कैसा आपको एंट्री करना है, टिकट कहाँ से लेना है, अंदर आपको क्या क्या अलाउ कर दिया जा रहा है, क्या क्या अलाउ नहीं किया जा रहा है। अगर आपको और भी अंदर ताजमहल को छूना है तो उसका एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा टिकट लगता है, वो कहाँ से लेना है, आपको A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो बिना लेट के इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप ताजमहल देखना चाहते हो तो आपको आगरा आना पड़ेगा। आगरा आने के लिए आप बाई फ्लाइट पकड़ सकते हो, बाई रोड या रेलवे स्टेशन भी अवेलेबल है, बाई ट्रेन आ सकते हो। हम लोग बाई ट्रेन आए थे तो वहाँ से ताजमहल यानी कि आगरा की रेलवे स्टेशन से ताजमहल जाने के लिए हम लोग ईच पर्सन 20 रुपीज़ दिए थे ऑटो वालों को। बाई रोड आने से 20 रुपीज़ ऑटो वाला लेता है, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। बस ये फाइनल रेट है उन लोगों का, इससे ज़्यादा भी मांगते हैं तो आप बार्गिंग कर सकते हो। फिर आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, आपको वेस्ट गेट में उतरना है क्योंकि वेस्ट गेट से ताजमहल 700 मीटर दूर में है, ये नज़दीक है। अगर आपको वो ईस्ट गेट में उतर देता है तो वहाँ से 1 किलोमीटर है और ईस्ट गेट में कोई पार्किंग का फैसिलिटी नहीं है। अगर आप बाई रोड आते हो या आपको ओन बाइक से या कार है तो आप वेस्ट गेट ज़रूर जाइएगा। वेस्ट गेट में आपको पार्किंग का सुविधा है, पर टिकट जो है वहाँ ऑनलाइन पे करना पड़ता है। बार कोड भी है वहाँ, आप स्कैन करके पे कर सकते हो। जैसे कि बाइक का 40 रुपीज़ चार्ज करते हैं और कार का 100 रुपीज़, तो आप वेस्ट गेट का पास ही उतरिएगा। अभी आता है ट्विस्ट। बात ऐसा है कि कहाँ पार्किंग आप कर रहे हो, वहाँ से ताजमहल तक पहुँचने के लिए आप लोगों को बैटरी की गाड़ी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल गाड़ी जो है, छोटा सा कार वगैरह टाइप का रहता है वो मिल जाएगा, जो पर हेड 10 रुपीज़ लेता है। पर फॉरनर्स जो आते हैं उनके लिए वो फ्री है। अगर आपका एज हो गया है 60 एबव, आप चल नहीं पा रहे हो तो आप इसका यूज़ करो, नहीं तो बढ़िया रास्ता है, बढ़िया पार्क है, आप बढ़िया सा वॉक करके चले जाओ, 10 मिनट से भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अगर आते हो तो आपको वो टिकट काउंटर के पास छोड़ देगा। आप अगर वेस्ट गेट से वॉक करके आते हो, आपको 10 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप सीधा टिकट काउंटर के पास पहुंच जाओगे। यहाँ आके आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ ऑफलाइन टिकट नहीं मिलता है, आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा। आप डरिए मत, आपको ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करना है मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ एक बार कोड लगा हुआ है, आप उसको स्कैन कीजिए और आप पे कर सकते हो। या दूसरी ऑप्शन ये है कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की साइट जो है उसमें से भी आपको टिकट बुक हो सकता है, आप वहाँ से भी बुक कर सकते हो। दूसरी बात ऐसा है कि यहाँ टिकट प्रोसेस ऐसा है कि आप अंदर जाने के लिए 50 रुपीज़ यानी कि ताजमहल को दूर से देख सकते हो, उसके लिए 50 रुपीज़ है। अगर आप ताजमहल को छूना चाहते हो उसके लिए आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 200 रुपीज़, जी हाँ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको टोटल 250 रुपीज़ लग ही जाएगा अंदर जाके ताजमहल को छू के आने के लिए। सिक्योरिटी चेक हमारा हो गया है, फिलहाल हम अंदर जाने वाले हैं। अभी हम अंदर जा चुके हैं, आप देख सकते हो वेस्ट गेट से हम एंट्री कर लिए हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड आप जो रेड कलर का इमारत देख रहे हो, कहा जाता है ये कभी मीना बाज़ार हुआ करता था। शाहजहाँ के समय पे यहाँ लेडीज़ लोग मीना बाज़ार लगाते थे। यहाँ आगरा का घाघरा, पत्थर से बनी हुई ट्रेडिशनल चीज़ें, सेंसिटिव चीज़ें यहाँ बेचा करते थे। आप अगर साइड में देख सकते हो जो छोटा छोटा रूम बना हुआ है, ये ताजमहल बनाने वाले जो लेबर्स थे उनके लिए बना गया है। वो 1-2 घंटे के लिए आकर रेस्ट करते थे, फिर वापस काम पे लग जाते थे। और कहा जाता है यहाँ जो साउथ गेट है, ताजमहल का जो साउथ गेट है, वहाँ अगर हम बाहर जाते हैं तो हम लोगों को कुछ बस्ती और कुछ बड़े बड़े दुकान मिल जाता है। ये उन्हीं लोगों के पूर्वजों की है जो ताजमहल बनाए हैं।
ये है, आप देख रहे हो, ये है मेन गेट। यहाँ से हम एंट्री अगर करते हैं तो ताजमहल के पास डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। ये जो बना हुआ है रेड स्टोन से बना हुआ है, ये जो रेड स्टोन सब है फतेहपुर सिकरी से लाया गया है। मेन डोर की एंट्री, जो मेन दरवाजा है, वो एंट्री करने से पहले हम लोग को ये जो लाइन मिलता है, ये लाइन से अगर हम स्ट्रेटली देखें तो हमको स्ट्रेट ताजमहल दिखाई देगा। अभी फिलहाल बात ऐसा है, हम अगर जितना भी एंट्री करते हैं, जितना भी आगे जाते हैं, तो ताजमहल हम लोग को उतना दूर दूर जाते हुए नज़र आएगा। अभी फिलहाल हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि ताजमहल से जुड़ी हुई बहुत सी इन्फॉर्मेशन अभी भी बाकी है। आपको ये बता दूं, ताजमहल सुबह 6 बजे खुल जाता है। अगर आप सुबह 6 बजे आ जाते हो तो आप ताजमहल का ऐसा एक नज़ारा देखोगे ना पहले कभी आप देखे होंगे। सवेरा सवेरा सूरज का रोशनी जब ताजमहल का ऊपर गिरता है तो ताजमहल अपना कलर चेंज करता है, वाइट से वो लाइट गोल्ड कलर का दिखता है। ये नज़ारा देखने के लिए बाहर से बहुत लोग आते हैं। अगर आप ये नज़ारा देखना चाहते हो तो सुबह 6 बजे ज़रूर पहुँच ही जाएगा। इतना ही नहीं, ताजमहल दोपहर को वाइट कलर का दिखता है, जैसे कि मिल्की वाइट, और शाम का टाइम में लाइट पिंक कलर का दिखता है। ये अपने आप में कलर चेंज होता ही रहता है, लेकिन साइंटिफिक बात ऐसा है कि सूरज की रोशनी से ये हमें ऐसा दिखता है। अगर आप ताजमहल देखना आते हो तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, अंदर आपको कुछ भी अलाउड नहीं है। आपको एक मोबाइल अलाउ किया जाता है और कैमरा भी। कैमरा का एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, जिसका अलग से टिकट काटना पड़ता है। वो काउंटर के पास आपको मिल जाएगा, उसका चार्जेस आपको लग जाएंगे। आप टिकट काट के कैमरा को भी अंदर ला सकते हो, और उसके साथ एक पानी का बोतल ला सकते हो। बस इतना ही अंदर अलाउ है, बाकी कुछ भी अलाउ नहीं है। जैसे कि ट्राईपॉड हो, एक्स्ट्रा लेंसेस हो, और कुछ छोटा सा बैग हो, ऐसा कुछ भी आपको अलाउ नहीं है। सो कृपया ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। दोस्तों आप ये जो नज़ारा देख रहे हो, मैं जहाँ खड़ा हूँ इसे कहते हैं वाइट टैंक। जो भी सेलिब्रिटी आता है या कोई भी घूमने आता है यहाँ, या वीवीआईपी आता है, तो सभी यहीं बैठ के ताजमहल का फ़ोटो निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से ताजमहल दिखने में बहुत खूबसूरत दिखता है। लेकिन आपको एक फैक्ट बता दूँ, शाहजहाँ भी यहीं बैठा करता था। जब ताजमहल बनता था तो यहीं से ही वो बैठ कर देखता था ताजमहल। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों का 50 रुपये का जो टिकट है वो ख़त्म हो गया है। अगर हम यहाँ से ऊपर जाना चाहेंगे, ताजमहल को टच करना चाहते हैं, तो यहाँ से 200 रुपये का एक्स्ट्रा हम लोगों को टिकट काटना पड़ेगा। आप लोगों को मैं जैसा बताया था, टिकट काउंटर के पास आप जो बार कोड है वो स्कैन करके आप टिकट ले सकते हैं, या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो होम साइट है वहाँ से आप टिकट ले सकते हो और ले कर अंदर जा सकते हो। यहाँ टिकट चेक होता है, चेक होने के बाद आपको अंदर अलाउ कर दिया जाएगा। यहाँ आप ताजमहल को छू सकते हो और ताजमहल का फोटो नजदीक से ले सकते हो। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत से बंदर हैं, आपका मोबाइल भी खींच के ले सकते हैं। सो देख के यहाँ से आप देख सकते हो ताजमहल बहुत खूबसूरत दिखता है। ये मीनार का एक वीडियो लेने की कोशिश किया, शायद आपको पसंद आ जाए। यहाँ से हम लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ से हम जब ऊपर जाते हैं तो हम लोग को शू कवर पहनना पड़ेगा, ताकि ताजमहल जो है वो गंदा ना हो। तो हम लोग का 10 रुपीज़ से आपको शू कवर मिल जाएगा। हम और एक बात बता देते हैं आपको, ताजमहल के अंदर फोटोग्राफी या आप वीडियो कुछ भी नहीं ले सकते हो, वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। ताजमहल का ऊपर आप जो ये देख रहे हो, जो अरबिक लैंग्वेज से लिखा हुआ है, वो कुरान का फर्स्ट चैप्टर वहाँ लिखा हुआ ऐसा कहा जाता है। तो मुझे भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, यहाँ जो गाइड है वो मुझे बता रहा था कि कुरान का फर्स्ट चैप्टर है। अगर वो सही है या झूठ है, या कुछ भी है, आपको कुछ भी इसका ऊपर ज़्यादा नॉलेज है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं अंदर जाके आता हूँ। सो गाइस, फिलहाल मैं अंदर जाके बाहर की ओर आ रहा हूँ ताजमहल का। आप लोगों को जैसा पता है कि मेन रूम में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी लेना मना है, इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। ये ताजमहल का दूसरा रूम है। अगर मेन रूम की बात करूँ तो वहाँ 2 कब्रें हैं, एक शाहजहाँ का, एक मुमताज़ का, लेकिन वो 2 डेमो हैं। मेन जो ओरिजिनल कब्रें हैं वो अंदर दफना दिया गया है। तो चलो बाहर की ओर जाते हैं। आप लोगों को जैसा पता है कि ताजमहल का बैक और बैक साइड अगर हम जाते हैं तो वहाँ एक नदी बहता है, वो है यमुना रिवर।
हम लोग को पता है, पहले से ही हम लोग पढ़े थे बचपन में, यमुना रिवर के तट पे ताजमहल बना गया था। आप ये जो देख सकते हो, यमुना रिवर यहाँ से बहता है। और दूसरी बात ऐसा है कि यमुना रिवर के पास में जो गार्डन है, यह मेहताब गार्डन कहा जाता है। यहाँ बहुत से मूवी शूट होते हैं, हिंदी मूवीज़, तेलुगु मूवीज़, जो भी मूवी यहीं शूट होता है। यहाँ ताजमहल पॉइंट है, यहाँ से फ़ोटो जो खींचते हैं तो बहुत अच्छा आता है ताजमहल का। आप ताजमहल का बैक साइड जब वॉक करके जाओगे तो आप लोगों को बहुत सी रूम मिलेगा, जो कि उसका जो डोर होता है वो सब क्लोज है। जितना भी डोर है सब क्लोज मिलेगा, सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए उसको सब क्लोज कर दिया गया है। आम आदमी के लिए वो अलाउ ही नहीं है। आप ये जो रेड कलर का इमारत देख रहे हो, ये शाहजहां का गेस्ट हाउस हुआ करता था। मतलब शाहजहां भी आके यहाँ जब भी रेस्ट करता था, और शाहजहां का जो जितना भी गेस्ट आते थे, जो राजा आते थे, महाराजा आते थे, वो भी यहाँ रेस्ट लेते थे। लेकिन बात ऐसा है कि वो पूरा रात यहाँ नहीं रुकते थे, या पूरा दिन रुकने की इजाज़त नहीं था। वो सिर्फ 1-2 घंटे आके यहाँ रेस्ट लेते थे, क्योंकि यहाँ से जो ताजमहल का नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हो यहाँ से ताजमहल का जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ आके जो राजा हो और महाराजा हो या शाहजहां खुद भी हो, यहाँ आके कुछ घंटा बिताता था, फिर वापस अपना महल को चला जाता था। सो गाइस, अगर मैं ताजमहल के फैक्ट्स के बारे में बताता रहूं तो ये वीडियो जो है वो घंटा 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 हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा फैक्ट्स तो नहीं बता सकता, जितना हुआ बता सकता हूं। और एक फैक्ट जो जाने से पहले अगर बताऊं तो ताजमहल जो है रात में भी खुलता है। जी हाँ, ताजमहल नाइट में भी खुलता है, लेकिन पूर्णिमा का दिन। आप ये जो स्टोन्स देख सकते हो, यहाँ जो रेड कलर का और जो ग्रीन कलर का और येलो कलर का जो स्टोन्स आपको दिखता है, ये चांदनी रात में चमकता है। इसलिए पूर्णिमा का दिन यहाँ ताजमहल का आने के अलाव है नाइट में, वो भी 8 से लेकर रात 12 बजे तक। यहाँ जो टिकट होता है तभी 1000 रुपीज़ का होता है। उस दिन रात में ताजमहल जो है पूरा चमकता है, जैसे कि डायमंड चमकता है वैसा चमकता है। सिर्फ हम लोग जो सही दरवाज़ा है, दूर से हम लोग जो एंट्री किए वहाँ से ही हम लोगों को देखना पड़ेगा, बस उतना ही है, हम नज़दीक नहीं आ सकते। सो गाइस, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो कैसा लगा? आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा बढ़िया सा बढ़िया इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।